सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे अगर आपके पास कोई बोट का प्रोडक्ट है जैसे कि ईयरफोन हो गया या फिर ब्लूटूथ स्पीकर हो गया और उसमें कुछ खराबी आ गई है या फिर वो खराब हो गया या गड़बड़ कुछ भी हो गया है और अभी भी उसका वारंटी पीरियड चल रहा है तो कैसे आप उसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक नया प्रोडक्ट मिल सकता है या फिर रिपेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि ये चीजें आप कैसे कर सकते हैं। और आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन। पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप मोबाइल से ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर बोट वारंटी क्लेम सर्च करना है। तो सबसे पहले लिंक दिखेगी supportboatlifestyle.com और यहाँ पे आपको रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये तो रजिस्टर कंप्लेंट पे आपको क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट अभी खुली है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकें। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट और पिन कोड। प्रोडक्ट ग्रुप में आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी क्लास ऑफ प्रोडक्ट है वो आप उससे सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ब्लूटूथ ईयरफोन है तो मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो मेरे पास बोट एयरबड्स 431। अब जैसे ही मैंने बोट एयरबड्स 431 डाला, यहाँ पे तीन कलर भी इसको दे दिया, मतलब क्योंकि तीन कलर वेरियंट्स में वो आता है, तो ब्लैक, रेड एंड ब्लू। तो मेरे पास ब्लैक है तो मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगा। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एरिया पिन कोड 221005, ये मेरा एरिया का पिन कोड है। आपके एरिया के जो भी पिन कोड है आप वो भी डालेंगे। दोस्तों यहाँ से दो चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ कुछ जगहों पे होता है कि उनके सर्विस सेंटर हैं। अब मैं उस एरिया का पिन कोड डाले जा रहा हूँ जहाँ पे बोट का सर्विस सेंटर है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बोट का सर्विस सेंटर है तो आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपको सीधे सर्विस सेंटर का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा और आपके घर से जो प्रोडक्ट की पिकअप की फैसिलिटी वो आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि टू गेट द एड्रेस ऑन योर फोन एंटर द फोन नंबर, मतलब ये जो एड्रेस है ये आपको एक SMS के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप उसके लिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करना और सेंड मैसेज पे करना। जैसे कि मेरे सिटी में उनका सर्विस सेंटर नहीं है, इस वजह से मेरे घर से प्रोडक्ट को पिकअप होगा और फिर वो जहाँ भी वो ले जाएंगे उसका वारंटी प्रोसेस को क्लेम करने के लिए, वो सर वहाँ ले जाएंगे फिर वापस ही मेरे को ड्रॉप कर देंगे प्रोडक्ट। ये सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें भी एक कंडीशन ये होती है कि फिजिकल डैमेज ना हो तो ही। उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, अपना नाम पता दुनिया भर का जो है। दोस्तों यहाँ पे दो चीजें शुरू होती है, वो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम और परचेज प्लेटफॉर्म। तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम में आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम है आप वो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माइक इश्यू हो या बटन इश्यू है या ब्लूटूथ रेंज इश्यू है या फिर बैटरी का इश्यू है या लो साउंड आ रही है, डिस्टॉर्टेड साउंड है, तो कोई भी जो भी आपका उसमें दिक्कत है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा में बैटरी इशू था तो बैटरी इशू सेलेक्ट करता हूँ। परचेज प्लेटफॉर्म, अब देखिए जहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स अपने बेचता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेलर्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा लास्ट में। अगर आपके पास ऑफलाइन आप खरीदे हैं तो आपको जो बिल मिला है वो होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन में तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, अराउंड 6 महीने तक के अंदर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अमेजन से खरीदा था। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, मतलब कि बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या हुई है उसे आपको विस्तार से निबंध लिखना है, मतलब निबंध नहीं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो जो भी लिखना है लिख दीजिए, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है इनवॉइस। यहाँ पे आपको जो बिल है वो अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में और उसका जो साइज है वो 5 MB से लेस होना चाहिए। देखिए अगर आपने ऑफलाइन खरीदा है तो आपके पास बिल होगा ही, उसका आपने फोटो क्लिक करना है और उसको PDF में कन्वर्ट कर देना है और उसके लिए दुनिया भर के ऐप्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक स्कैनर। जैसे ही आप यहाँ इनवॉइस को चूज फाइल करेंगे तो आप फाइल्स में दुनिया भर का आप चला जाएगा, जो भी फाइल है आपकी वो आप सेलेक्ट करिए जो भी आपने कन्वर्ट किया है बिल का। या फिर अगर आपने ऑनलाइन खरीदा है तो उसके लिए आपको, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अमेजन से खरीदा है अपना प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप जाने के बाद आपको योर ऑर्डर सेक्शन में जाना है
और मैंने बेसिकली आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था उसे अराउंड एक साल से ऊपर हो चुका है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जैसे कोई जैसे यहाँ पे आपका ऑर्डर शो करता रहेगा, ठीक है, तो जैसे ये आपने ऑर्डर क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको ये डाउनलोड इनवॉइस का उसी तरह ऑप्शन आपको उस प्रोडक्ट में भी मिलेगा, ठीक है। सारे प्रोडक्ट में इस तरह का डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आपको आता है। आप यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस या वारंटी पी स्लिप, मेनली यहाँ पे आपको इनवॉइस पे ही डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड को क्लिक कर दिया, उसके बाद अगर आप इसे ओपन करके देखना चाहते हैं तो यही चीज आती है बेसिकली। अब इसे आपको करना क्या है कि इसी चीज को इनवॉइस पे आपने अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे जो इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको चूज फाइल फाइल्स, ठीक है, और वो अपने आप जब यहाँ पे सबमिट आप करेंगे तो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे परचेज डेट, जो बिल पे परचेज डेट होगी वो डालना है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है, क्वांटिटी कितनी मतलब कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक हैं या दो हैं, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक टिकट नंबर मिलेगा और आपके ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर डाला है उस पर आपको एक मेल आ जाएगी कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा और वो पिकअप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।